ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। चलो हम लोग सब खाना खाते हैं। ये क्या चक्कर है, मेरे हिस्से का खाना कहाँ गया हा? मुझे लगता है आपने खा लिया होगा। तुम तो बूढ़े हो गए हो, इसलिए तुम्हारी याददाश्त भी रिटायर होने लगी है। मुझे याद है मैंने नहीं खाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने खा लिया हो तोते चैन? नहीं, मैंने नहीं खाया। अप्पा, तोते चैन आपका खाना कभी नहीं खाएगा। बिल्कुल, क्योंकि तोते चैन तो हमारे सामने ही बैठा है, उसने तुम्हारा खाना नहीं खाया है। लगता है मेरी याददाश्त सच में रिटायर होने लगी है। चलो हम लापता खाने का पता ढूंढ लेते हैं। ठीक है। कहीं दिख नहीं रहा। ये क्या चक्कर है? अप्पा का खाना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे अब तो मेरा भी खाना गायब हो गया। तुम्हारा खाना भी गायब हो गया? कहीं तुमने तो मेरा खाना नहीं लिया ना? लगता है तुम्हारी याददाश्त भी मेरी तरह रिटायर हो रही है। मुझे पता है मेरा खाना कहाँ गया है, तुमने खाया है ना? नहीं नहीं, तुम्हारी कसम मैंने नहीं खाया है। गौन या तोते चैन ही बचे हैं। तोते चैन, तुमने मेरा खाना खाया है ना? उसने खाना खाया। तुम्ही ने खाया है। तोते चैन भी तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। हाय हाय, उखड़ जाएगी। अम्मा अप्पा, आप दोनों लड़ना बंद करो। मैंने नहीं खाया, मेरा यकीन। तुम्हारी नजर बहुत पहले से मेरे खाने पर थी और मौका मिलते ही तुमने उस पर हाथ साफ कर दिया है ना? अरे अब मेरा भी खाना गायब हो गया। मैं अपना खाना किसी को नहीं खाने दूंगा। अरे मेरी मूछे बेचारी। तुम्हें खाना किसने खाया? मैंने तो नहीं खाया, इसने खाया है। किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। अब तो इल्जाम लगाने के लिए भी कोई नहीं बचा। इसका मतलब है कि वो तुम हो, तोते चैन। नहीं, मैंने नहीं खाया, इसने खाया है। देखो भागो ऊपर की तरफ। भागो भागो भागो, हमें कोई बचा ले। भागो भागो, हमें बचा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। वो देखो आ रहा है। ये क्या कर रहे हो? पहलवानी दिखाने का यही टाइम मिला क्या? मैं इस चट्टान को नीचे गिराकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग भी मेरी मदद करो। यू खड़े खड़े क्या कर रहे हो? लगता है सजीव चीज का फुल एंड फाइनल हो गया है। अब डरने की कोई बात नहीं है। वो हमारे पीछे क्यों पड़ा है? वो हमें खाना चाहता है क्या? लगता है पत्थर खाने में उसे मजा नहीं आता, इसलिए अपना टेस्ट चेंज करने के लिए हमें खाना चाहता है। इसका मतलब अब वो हमारा नॉनवेज सलाद। अरे उसने हमें देख लिया, भागो यहाँ से। मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे वो तो फूल बन गया। अप्पा, ये हिलडुल नहीं रहा। इसका मतलब अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, मैं बच गया।
थैंक यू तोते चैन। अरे वाह कितना सुंदर है। हाँ सच में अब तक की अपनी सारी जिंदगी में मैंने ऐसी चीज कभी भी नहीं देखी थी। कितना खूबसूरत नजारा है। हाँ? ये उस फूल के बीज हैं। उसके बीज चले अम्मा पर खेती करने। खाले खाले ये तेरा आखिरी खाना है। इसे कहता है निशाना। उड़ चला मैं उड़ चला। लगता है मेरी मशीन का टॉक टाइम खत्म हो गया है। अगर मुझे ले जाना नहीं था तो आए क्यों थे। लगता है मेरी मशीन का टॉक टाइम अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मुझे अपनी मशीन में वापस जाना होगा। ये चला मैं। मेहमत के बच्चे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गॉन की अम्मा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे मैंने मेहमत को तो पकड़ लिया है, लेकिन इसमें ताकत उम्मीद से दुगनी है। पता नहीं तुमने मेहमत को पकड़ा है या उसने तुमको। देखा मेरा बैलेंस, मैं नहीं गिरूंगा। बचाओ। अम्मा, अप्पा, आप दोनों क्या कर रहे हो? मैं दिखाई नहीं देता क्या? हम मेहमत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम भी आकर हमारी मदद करो। तो चैन जल्दी चलो। हाँ जल्दी चलो। खेती करूंगा, गेहूं गाऊंगा। अरे ये क्या है? बचाओ, बचाओ। तो चैन पूरा दम लगाकर उसे रोको। कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें भी अभी ही टपकना था, तुम्हारी वजह से शिकार हमारे हाथ से निकल गया। और तुमने मेरा गेहूं का खेत बर्बाद कर दिया, उसका क्या? क्या गेहूं का खेत? गेहूं का खेत? इस पूरे इलाके में मेरा गेहूं का खेत है। मैं गेहूं पहुंच गया। इसे गेहूं कहते हैं। गेहूं? तुम लोग गेहूं के बारे में कुछ नहीं जानते हो क्या? नहीं तो आखिर तुम लोग जंगली हो ना। हमें जंगली कहने से तुम्हारा क्या मतलब? शांत शांत। तुम इस गेहूं का क्या करते हो? तुम्हें नहीं पता गेहूं से मजेदार खाना बनाया जाता है। अब क्या कर रहा है गॉन की अम्मा? मैं भी तो जरा देखूं कि गेहूं से कौन सा मजेदार खाना बनता है। इस तरह गेहूं के आटे की गेंद बनाकर उसमें डंडी लगाकर इसे खाया जाता है। हाँ इस तरह से। हाँ और ये भुनी हुई है तो तुम इसे खा सकते हो। आप अरे वाह बहुत स्वादिष्ट है। वाह मजा आ गया। अच्छा है ना? ये मनहूस चिड़िया फिर आ गई। ये जरूर मेरा गेहूं खाने आई है। मेरे इस हथियार से उन्हें भगा दो। हाँ ये ठीक रहेगा। भागो यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें? उन चिड़ियों ने तीर से मेरे सर पर तबला बजा दिया। गॉन जरा जाकर उन चिड़ियों को मजा तो चखा दो। क्या बात है।
मैं समझ गया कि अब तक मैं क्या गलती कर रहा था। है? मुझे इन चिड़ियों से छुटकारा पाना सीखना होगा, इसीलिए मैं भी तुम्हारी तरह शिकारी बनूंगा। आज से हम भी खेती करेंगे। फिर हम इस तरह का मजेदार खाना रोज खाया करेंगे। मुझे खेती करनी है, मुझे खेती करनी है। ठीक है, हम खेती करेंगे। लो कर लो बात। खेती करने के लिए हमें पहले जमीन को खोदना होगा। ये चलो मैं भी इस जमीन को खोदना शुरू करती हूँ। ये क्या हो रहा है? ये तो पानी निकल आया। गड्ढा खोदने के बाद उसमें बीज डालने हैं। हाँ, ये बीज देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो सोचते क्यों हो? चलो चक्कर देखते हैं। ये हुई ना बात। ये क्या कर रहे हो? ये तो वही मेहमत है जो मेरे खेत में आया था। इसे पकड़ता हूँ। वो इन पेड़ों के बीच में कभी नहीं घुस पाएगा। मैं गलत था। मेहमत पकड़ने के चक्कर में मेरे अंजर पंजर ढीले हो गए। खेती करना हमारे बस की बात नहीं है। और अब गेहूँ की मजेदार चीजें खाने का भूत भी मेरे सर से उतर गया है। ठीक कहा। बच गया। मैं शिकार नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं सिर्फ खेती करूँगा। खेती करना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए अब हम शिकार ही करेंगे। ये हुई ना बात। चलो चलते हैं। इसी में सबकी भलाई है। इसीलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। पीको की दोस्ती। वो तो पीको है। और वो कहाँ जा रही है? सुनो पीको चैन। क्या बात है? पीको चैन तुम्हें क्या हो गया? मुझे दोस्ती करने के लिए कोई अच्छा लगने लगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर से तुम्हारा क्या मतलब है? इससे पहले भी अच्छा लगा था ना? मुझे वो ज्यादा अच्छा लगने लगा है दोस्ती के लिए। रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। हाँ, मैं उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मैं ऑक्टोपस हूँ। मैं जा रहा हूँ। पर वो ऑक्टोपस निकला। क्या? बताओ ना, मुझे उसके साथ दोस्ती करने के लिए क्या करना चाहिए? इस बार किसके साथ दोस्ती करना चाहती हो? मतलब इस बार ऑक्टोपस नहीं है। उस ऑक्टोपस को भूल जाओ, मुझे तो इस बार उस लड़के के साथ दोस्ती करनी है। हाँ, तुम्हारे हिसाब से इसे उसके साथ दोस्ती करने के लिए क्या करना चाहिए? लो कर लो बात। मुझसे दोस्ती करोगी? ये लो केला। इससे काम चलेगा? बात बन गई, दोस्ती हो गई। अगर तुम उसे केले दो तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। मेरा आजमाया तरीका है। तुमने उसे भी गोरिल्ला समझ के रखा है क्या?
बचाओ। रुक जाओ, बचाओ हमें। कौन? मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी। रुक जाओ। बचाओ। रुक जाओ। तुम अपने आप को समझ के क्या हो? कौन? रुक जाओ। मैं कहती हूँ रुक जाओ। अप्पा। रुक जाओ। अप्पा, आप ठीक तो हैं ना अप्पा? चाचा, ये गॉन और तोते चंद सच में बहुत खराब है। जब मैंने इनसे एक लड़की के साथ दोस्ती करने का तरीका पूछा तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसे केले दे दूं, जैसे मुझे किसी गोरिल्ला से दोस्ती करनी हो। ये तो बहुत बुरी बात है। गॉन, तोते चंद, मैंने ऐसे ही दोस्ती की। ये अच्छी बात नहीं है। किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई लड़की अकल से पैदल हो तो भी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आपको मैं अकल से पैदल लगती हूँ? हाँ, अब मेरा कहने का मतलब तुमसे नहीं था। अच्छा, तो ये बताइए चाचा कि आपने चाची के साथ दोस्ती कैसे की थी? ये क्या बवाल सा सवाल पूछ लिया। अब तुम्हारी चाची के साथ दोस्ती वो तो तुम लोग कौन हो और तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? हमसे डर क्यों रही हो? हम जितने लगते हैं उससे ज्यादा शरीफ हैं। आओ हमारे साथ चलो। चुपचाप हमारी बात मान लो लड़की। उस लड़की का हाथ मत लगाना। कौन हो तुम? मैं तुम जैसों के दिमाग का इलाज करता हूँ। तो तुम दिमागी डॉक्टर हो? इसे मरीज बना देते हैं। इसकी दुकान बंद कर देते हैं। छोड़ेगी नहीं उसे। आ गई ना अकल ठिकाने। इन्हें तो मैंने शांत कर दिया, लेकिन आप तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ये है दोस्ती की कहानी। आपने चाची को बचाया था? पीको, असल में इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट? ये तुम क्या कह रही हो गॉन की अम्मा? असल में हुआ ये था। चलो हमारे साथ चलो। चुपचाप हमारी बात मान लो लड़की। उस लड़की को हाथ मत लगाना। कौन हो तुम? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। बेवकूफ कोई के। बज गई घंटी। वो मुझे बचाने आया था और तुमने उसी की धुलाई कर दी। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम ठीक तो हो ना? मैंने इन्हें ठिकाने लगा दिया है, डरो मत। थैंक यू। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? हाँ, सच में? लगता है तुम्हारी याददाश्त की बैटरी लो हो गई है। अच्छा, अब मैं समझी मुझे क्या करना चाहिए। गॉन, तोते चंद, चलो मेरे साथ, मेरी मदद करो। पीको, तुम क्या करने वाली हो? बचाओ! मेरी मदद करो! क्या हुआ मिस? एक अजीब बदसूरत लड़का और गोरिल्ला मेरे पीछे पड़े हैं। उस लड़की को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझसे झगड़ा बहुत महंगा पड़ जाएगा। हम सस्ता सौदा नहीं करते। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम जैसे से डरने वाली नहीं हूँ। तुम जाकर उन्हें भगा दो, वो तुमसे टिकट नहीं ले सकते। दम है तो आओ। तोते चंद, अगर वो आया तो हम यहाँ से निकलेंगे, पता है ना? पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सुनाई नहीं देता क्या? मैं इतना चिल्ला के बात कर रहा हूँ। अच्छा मजाक करते हो, लेकिन अभी मैं जरा जल्दी में हूँ। मजाक कर रहे हैं? अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलता, लेकिन मुझे एक जरूरी काम से जाना है। हम और कभी खेलेंगे। अरे सुनो तो, आ गए तुम? वो कौन है? एक छोटी बच्ची है। आओ चलें। अब तो ये वाला भी चला गया, अब तुम किससे दोस्ती करोगी? मुझ जैसी सुंदर लड़की छोटी छोटी बातों की टेंशन नहीं लेती। मैं बच्चा नहीं हूँ।
पीको चैन पीको, ये गलत बात है। तुम्हें नहीं पता कि मुझे से सुंदर लड़की को बदमाशों से खुद को बचाने के लिए ऐसे नकाब की जरूरत पड़ती है। लेकिन 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 कुछ नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो, फिर भी बच्चों की तरह डरते हो। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि पीको हमेशा बिना बात के परेशान करती रहती है। खुद को समझती क्या है? वो कभी मेरी बात नहीं मानती और हमेशा अपनी बात मनवाती रहती है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। करना भी नहीं चाहिए। वो मुझ पर दादागिरी नहीं चला सकती। सही कहा। चलो घर चले। जोश में आए और उसे मजा चखा जाकर। तो ठीक है, चलो हम उसे सबक सिखाएं। मैं बस अभी आता हूँ। ये ठीक है, मैं पीको को इस नकाब से अच्छी तरह डरा सकता हूँ। मुझे बचाओ! अरे ये क्या कर रहे हो? ये तो गड़बड़ हो गई। ये मैं कहाँ फंस गया? अब मैं चुपचाप खिसक जाता हूँ। शोर मत करो। बाहर आ जाओ, यही मौका है, जल्दी। तोते चैन, मैं यहाँ से अपने आप नहीं निकल सकता। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। जल्दी करो, जल्दी। मैं इसका हाथ उठाता हूँ। बहुत भारी है। हो गया तुम्हारा, भागो। तोते चैन रुक जाओ। ये तो फिर ले गई। अगर यही आ रहा तो मैं सच में शेर बन जाऊंगा। तोते चैन, ये लो। इसमें घुस जाओ। ठीक है, समझ गया। कर लो बात। ये क्या मुसीबत है? रुक जा। कर लो बात। ये गौन वहाँ क्या कर रहा है? तो मुझे बचा लो। तुम तो बच्चे के बच्चे रहोगे, खुद कुछ नहीं करोगे। अरे कोई तो मुझे बचाओ।
अरे इतने सारे मेहमत एक साथ। आज नाश्ते में फिर से बैर, घर में खाने के लिए और कुछ नहीं है क्या? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तुम आजकल कोई शिकार करके लाते ही नहीं हो। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन क्या करूँ, आजकल कोई शिकार नजर ही नहीं आता है। अप्पा मैंने आज सुबह सुबह देखे थे। क्या देखा था सुबह सुबह? मैंने मेहमत का झुंड देखा था, वो हमारे घर के सामने से जा रहे थे। क्या, मेहमत का झुंड देखा था? इसका मतलब है वो सुबह सुबह यहाँ से कहीं जाते हैं। तो ठीक है, कौन कल सुबह हम मेहमत को पकड़ने चलेंगे, ठीक है? तुम मेहमत को पकड़ कर लाओगे? ये मेरा वादा है। आ गए अप्पा, जल्दी उठो, मेहमत आ गए। अप्पा उठो। अप्पा जल्दी उठो। अम्मा अप्पा तो उठेगा नाम नहीं ले रहे, अगर वो जल्दी नहीं उठे तो मेहमत हाथ से निकल जाएंगे। मेहमत चले गए तो हम किसको पकड़ कर लाएंगे? गौन के अप्पा, जल्दी उठो, जयमल दादा, जल्दी उठो, उठो, मेहमत आ गए, जल्दी उठो, मेहमत आ गए। आज मैं देर से उठा इसलिए मेहमत हाथ से निकल गया, वरना अभी तुम खुशी से मेरे सामने बैठे होते। अप्पा हमने आपको जगाने की बहुत कोशिश की थी। तुम तो गहरी नींद सो रहे थे, तुम तो उठे ही नहीं। तो अगली बार मुझे जगाने के लिए और मेहनत करना। तुम कोई बच्चे नहीं हो, अपने आप सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि तुम जल्दी सो जाओ। गौन की अम्मा मैं और जल्दी नहीं सो सकता। तो फिर तुम सुबह जल्दी कैसे उठोगे? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाता है और कल ये हो के रहेगा। गौन जल्दी बाहर आओ, देखो कितने सारे चमकते हुए तारे बाहर निकले हैं। लगता है सो गया है। मैं भी थोड़ा लेट जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे जागना है, किसी भी हालत में मैं सो नहीं सकता। सुबह मेहमत को पकड़ना जो है। गुड मॉर्निंग अप्पा। गुड मॉर्निंग। आप सच में रात भर जागते रहे? आखिर तुम जल्दी सुबह उठ ही गए। यही तो मेरा स्टाइल है, लेकिन अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है। तुम देख लेना, फिर भी मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे मेहमत को पकड़ना जो है। अप्पा अप्पा देखो मेहमत का झुंड आ गया। अप्पा चलो चलते हैं। अप्पा अप्पा रात भर जागेंगे तो सुबह कैसे उठेंगे, हर वक्त सोते ही रहेंगे ना। रात भर जागकर तो काम बना नहीं, समझ में नहीं आता मैं सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करूं। हाँ आइडिया। अप्पा ये क्या चीज है? ये मुझे नींद से जगाने का एक खास साइंटिफिक तरीका है। नींद से जगाने का तरीका है? देखो होगा क्या कि पानी यहाँ से इस लकड़ी के बड़े कटोरे में गिरता रहेगा, सुबह तक ये कटोरा पानी से भरकर भारी हो जाएगा और इससे इसका वजन खिसक जाएगा और ये लकड़ी को एक तरफ झुका देगा, जिससे दूसरे कटोरे में रखा पानी मेरे ऊपर गिर जाएगा और मेरी नींद फौरन खुल जाएगी। आई बात समझ में? मैं उठ गया, आज मैं जल्दी उठ गया। आज मैं किसी भी हालत में गान और अम्मा के लिए मेहमत पकड़ के ही रहूंगा। मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं अपनी फैमिली के लिए एक मेहमत तक नहीं पकड़ पाया। मुझे कुछ न कुछ और करना होगा। देखता हूँ ये बच्चे खेल खेल में मुझे कोई तरीका बता दे शायद। चलो तोते चैन,
अब हम खेल शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। ये तो एकदम पागलपन है। एक मिनट, मैं ये तरीका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अप्पा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये वो तरीका है जो कल सुबह मुझे जल्दी उठा देगा। लेकिन ये काम कैसे करता है? मैंने इन्हें लाइन में लगा दिया है। अब मैं रात में सोने से पहले एक पत्थर को धक्का दूंगा और उसके बाद एक के बाद एक पत्थर गिरने लगेंगे। मोड़ और पहाड़ पर रखे पत्थर भी धीरे धीरे गिरने लगेंगे और सुबह होते ही आखिरी पत्थर मेरे तकिए पर आ गिरेगा और मैं जाग जाऊंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ, तुम्हें लगता है ये आइडिया काम करेगा? टेंशन मत लो, मैंने हर चीज का अच्छी तरह से हिसाब लगा लिया है। ये सब करने की बजाय अगर तुम जल्दी सो जाओगे तो अपने आप जल्दी सुबह उठ जाओगे। अब सोने का वक्त हो गया है, इसे हल्का धक्का दे देता हूँ।